गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एट योर होम। सो वी वर डूइंग आवर फर्स्ट चैप्टर द टाइगर किंग फ्रॉम दिस बुक पनोरमा। ओके, सो इन माई प्रीवियस वीडियो वी हैव कम्प्लीटेड एक्ट फोर्थ एंड इन दिस एक्ट वी केम टू नो दैट महाराजा फाइनली गॉट मैरिड विद द प्रिंसेस ऑफ दैट स्टेट वेयर देयर वर सो मैनी टाइगर्स वर लोकेटेड। तो इनका फाइनली जो इंटेंशन यही था कि जब भी वो अपने इन लॉज के पास जाए तो वो क्या है इनका जो टारगेट था 100 टाइगर्स को किल करने का वो अपना कंप्लीट कर सके। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्ट फिफ्थ। द महाराजाज एंजाइटी रिज्ड अ फ्यूअर पिच व्हेन देयर रिमेंड जस्ट वन टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। जैसे कि हमने एक्ट फोर्थ में ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं कि जो महाराजा है उन्होंने 99 टाइगर्स को किल कर चुके हैं वो। सो अब उनकी जो एंजाइटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगी क्योंकि सिर्फ एक टाइगर बचा था जिसको मारने के बाद में उनकी जो टैली जो काउंटिंग है उनकी जो 100 की लिस्ट है वो फाइनली कम्प्लीट हो जाएगी। He had this one thought during the day and the same dream at night. और सिर्फ यही एक thought था जो उन्हें दिन में भी आता था और वही सारी चीज़ें उनके रात में सपने में आती रहती थी। By this time the tiger forms had run dry even in his father-in-law's kingdom. लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब जो उनके फादर इन लॉ का जो स्टेट था वहाँ पर भी जो टाइगर्स थे वो क्या है ख़त्म हो गए थे, मतलब जो टाइगर की जो संख्या थी वो पूरी तरह से ना के बराबर हो गई थी। रन ड्राई मीन्स कम हो जाना। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, और ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो गया था, टाइगर ढूंढना इम्पॉसिबल हो गया था। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड, जबकि अभी भी एक टाइगर की ज़रूरत थी। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। अगर महाराजा एक जानवर को और मार देते हैं तो अब महाराजा को किसी भी चीज़ से किसी भी प्रकार का कोई भी डर नहीं रहेगा। ही कुड गिव अब टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और इसी के साथ में जो महाराजा है वो टाइगर हंटिंग को भी त्याग देंगे। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, लेकिन उन्हें क्या है जो लास्ट टाइगर है उससे बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। वाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सैड, जैसा कि जो लेट बेटा या लेट का यूज़ होता है जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, ठीक है, मीन्स ये वही एस्ट्रोलॉजर है जिसने प्रेडिक्शन की थी कि जो महाराजा है उनकी डेथ टाइगर के थ्रू होगी और अभी ही इज़ नो मोर, मतलब जिसने प्रेडिक्शन की वही टाइम से पहले ही एक्सपायर हो गए। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी बीवेयर ऑफ 100th। यहाँ पे जैसे कि पहले एस्ट्रोलॉजर ने भी कहा था कि 99 टाइगर को किल करने के बाद भी जो महाराजा है उन्हें जो 100 टाइगर है उससे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। ट्रू इनफ द टाइगर वॉज अ सेविज बिस्ट आफ्टर ऑल, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि जो टाइगर है वो एक प्रकार का जंगली जानवर है। वन हैड टू बी वरी ऑफ इट, और प्रत्येक व्यक्ति को हर एक इंसान को उसे केयरफुल रहना ही चाहिए। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन जो 100 टाइगर है उसे कहाँ से ढूंढ कर लाया जाए। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर। यहाँ पे जो राइटर है उसने काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताया गया है कि टाइगर्स का मिल्क इजीली मिल सकता है रादर देन अ लाइव टाइगर, कि टाइगर्स का मिल्क मिल सकता है लेकिन एक जीवित टाइगर मिलना मुश्किल है
जिसको मारकर जो महाराजा है वो अपना टारगेट कंप्लीट कर सके। तो काफ़ी बढ़ा चढ़ा के यहाँ इसे बताया गया है। दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम, और क्योंकि जो लास्ट वन टाइगर नहीं मिल रहा था इसीलिए जो महाराजा है वो क्या है उदासी में डूब रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा सैड रहने लग गए थे। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, लेकिन जल्द ही एक गुड न्यूज़ आई और उसने उनकी जो उदासी थी उसे डिस्पेल्ड दूर किया। इन हिज ओन स्टेट शी बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज। महाराजा के ही स्टेट में जो हिल साइड विलेज है वहाँ पे जो शिप है वो फ्रीक्वेंटली जल्दी 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 वहाँ से डिसअपियर हो रही है। इट वॉज फर्स्ट असर्टन, असर्टन मीन्स कन्फर्म किया गया दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादिर मियाँ साहब और वीरा स्वामी नायकर। पहले ये कन्फर्म किया गया कि ये काम कहीं खादिर मियाँ साहब या वीरा स्वामी का तो नहीं। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शिप होल, क्योंकि ये दोनों ही क्या है शिप्स को गायब करने में फेमस थे। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, अगर इन दोनों का हाथ नहीं है तो फिर एक टाइगर ही है जो ये काम कर सकता है। द विलेजर्स रन टू इन्फॉर्म द महाराजा, विलेजर्स महाराजा के पास गए महाराजा को इन्फॉर्म करने के लिए। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3 ईयर एक्सेम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस, और ये न्यूज़ सुनकर महाराजा बहुत ज़्यादा फाइनली खुश हुए थे और उन्होंने 3 साल के लिए एक्सेम्पशन मतलब है छूट, जितने भी प्रकार के जो उनके स्टेट में टैक्स लगाए जाते थे उसके लिए 3 ईयर्स के लिए उन्होंने सभी लोगों को छूट दे दी थी। दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और फाइनली वो क्या है एक बार फिर हंटिंग के लिए निकल पड़े। द टाइगर वॉज नॉट ईजीली फाउंड, जो टाइगर है वो ईजीली नहीं मिल रहा था। इट सिम्ड एज इट इफ इट हैड वॉन्टिंगली हिड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लॉट द महाराजाज विल, ऐसे प्रतीत होता है जैसे इस टाइगर ने अपने आप को जानबूझकर छुपा रखा है राजा की जो इच्छा है उसके खिलाफ। ठीक है, मतलब ऐसे कहा गया है कि वो जानबूझकर छिप रही है, जानबूझ के वो उसके सामने नहीं आना चाहता। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन जो महाराजा थे वो पूरी तरह से डिटरमाइंड थे, दृढ़ निश्चय थे कि इस टाइगर को मैं मारकर ही जाऊँगा। ही रिफ्यूज टू लिव द फॉरेस्ट अनटिल द टाइगर वॉज फाउंड, उन्होंने जंगल को छोड़ने से पूरी तरह से मना कर दिया जब तक कि वो इस टाइगर को नहीं ढूंढ लेते। एज द डेज पास्ट द महाराजाज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी, अब देखो जैसे जैसे दिन बीते महाराजाज फ्यूरी मीन्स एंगर एंड ऑब्स्टिनेसी मीन्स जिद्दीपन, उनका गुस्सा और बढ़ने लग गया, वो और ज़्यादा जिद्दी स्टबन होने लगे। माउंटेड अलार्मिंग, ठीक है, उनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ने लगा। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, और उन्हीं के गुस्से के चलते कई ऑफिसर्स को अपनी जॉब गंवानी पड़ी, क्योंकि राजा गुस्से के मारे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अपनी फ्रस्ट्रेशन उन्होंने उन्हीं ऑफिसर्स के ऊपर